हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मदर्स डे स्पेशल पे मैंने केक बनाया था, लेकिन पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा था और टाइम भी नहीं मिला, तो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। ये रेड वेलवेट केक है, आप कोई भी ओकेजन पे बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने प्रीमिक्स यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें बेस बनाने के लिए दिखाया, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारा सामान निकाल के रखा है। ये 1 कप मैदा है, 1 कप के रेशो से ही मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे वैनिला एसेंस है। जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। यहाँ पे मैं दूध और शक्कर रखने को भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर, दही, तेल मैंने सारा लिया है। और सारा मेजरिंग कप से ही अगर आप बेस बना रहे हैं तो प्लीज़ आप मेजरिंग कप यूज़ करें, या तो आप कोई एक वाटी या कप आप फिक्स ले, उसी मेजर कप से आप उसका रेशो बना ले। यहाँ पे रेड फूड कलर लिया है मैंने, ये लिक्विड बेस का है जो केक बनाने में इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, 10 मिनट मीडियम गैस पे आप रख दीजिए। जब तक आप बेस रेडी करेंगे तब तक आपका कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही लिया है, और सारा चीज़ आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा गर्म नहीं लेना है आपको। और यहाँ पे 1/4 कप मैंने दूध डाल दिया है, 1/2 कप दही है, 1/4 कप तेल है, अनफ्लेवर तेल है जो राई का तेल, और आप ये सब नहीं यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ना यूज़ करें। और 1 स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसीलिए मैंने 1/2 टीस्पून ही डाला है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं वनीला एसेंस। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इस स्टेज पर अगर आप एग से बना रहे हैं तो दही की जगह पर आप 2 एग ले सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। यहाँ पर मैं मैदा डाल रही हूँ, और सारा मैंने मेजरिंग करके और छान के लिया है। आप ये ना सोचे कि मैंने छाना नहीं है, बट मैंने छान के सब अलग अलग रख लिया था। मैदा और मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है, और अभी मैं इसके अंदर शुगर और जितना लगेगा उतना मैं दूध डालूंगी। दूध का कोई रेशो नहीं है, बट मैंने इसके अंदर 1 कप जितना दूध डाला था, और दूध भी रूम टेम्परेचर पे था। अगर आप गरम लेते हैं तो बेस आपका जो है ना वो एकदम चपटा चपटा बनेगा और वो अच्छा भी नहीं बनेगा, इसीलिए सारा रूम टेम्परेचर पे लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर डाला है, क्योंकि मैं जो इस पर जो मतलब जो शुगर सिरप नहीं लगाऊंगी, मैं मिल्क और शुगर का बेस जो मैं लगाती हूँ उसको मॉइस्चर करने के लिए, इसलिए वो भी मीठा है, इसीलिए मैंने 1/2 कप ही चीनी डाला है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसकी जगह पर आप 1/2 कप एंड 1/4 कप आप डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसे बीटर से ना मिक्स करें। बीटर से मिक्स करने के बाद ग्लूटेन क्रिएट हो जाएगा, तो आपका केक राइज भी नहीं होगा। यहाँ पे कोको पाउडर डालना, आप रेड वेलवेट बनाते तो को 1 टीस्पून कोको पाउडर भी डालना है, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि जो मेरे पास कोको पाउडर है वो काफ़ी डार्क है, तो मैं अगर उसको डालती तो मेरा केक काफ़ी डार्क बन जाता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप इसके जगह पे कोको पाउडर भी आप इसमें ऐड करें, अगर आपका डार्क है तो ऐड ना करें, स्किप कर दे उसको। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने रेड फूड कलर 1 टीस्पून डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप पाउडर बेस होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लिक्विड डालना। और इसको अच्छे से मिक्स करके केक टिन मैंने ग्रीस करके रखा है। प्रिपरेशन आप पहले ही करके रखें बैटर बनाने से पहले, कि आप फटाफट मतलब डाल के तुरंत बेकिंग के लिए लगा दें, क्योंकि जब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पड़ता है ना तो राइज होने लगता है फटाफट, वो फूलने लगता है बैटर, फिर आप वेट नहीं कर सकते। और इसमें आप 1 टीस्पून विनेगर भी डाल दें, मैंने नहीं डाला है लेकिन तो भी मेरा केक काफ़ी अच्छा फूला था, मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा राइज हुआ था। और मैं टाइमर लगा के केक बनाती हूँ, आप भी मेक श्योर टाइमर लगा लें, तो आपको केक को घड़ी घड़ी खोलने की ज़रूरत नहीं, और केक आपका ऊपर से फटेगा भी नहीं। अगर टाइम के पहले आप खोल देते हैं ना तो ऊपर से फूलना भी बंद हो जाता है और फट भी जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा केक कितना अच्छा फूला था। और यहाँ पर लो टू मीडियम पर मैंने रखा है, मेरा बड़ा वाला बर्नौल है बहुत स्लो जलता है तो मैंने मीडियम रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा केक टोटली 40 मिनट्स हुआ, मैंने 35 के बाद चेक किया था जब टाइमर कंप्लीट हुआ था, फिर 5 मिनट मैंने रखा था, और यहाँ पे केक बिल्कुल रेडी। और आप देख सकते हैं केक कितना अच्छा राइज हुआ है, कितना स्पॉन्ज है इसको, तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, तो एजेस भी छोड़ दिया है इसने।
और मैं इसको अभी पूरी तरह ठंडा होने दूंगी, उसके बाद डीमोल्ड करूंगी। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद डीमोल्ड कर दें, नहीं तो नीचे पानी पानी होने लगता है अगर माइक्रोवेव और ओवन में बनाते हैं तो, क्योंकि अगर कढ़ाई में बनाते हैं तो नीचे से अच्छे से कुक होता है तो पानी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कितना इजीली निकल गया है और काफ़ी अच्छा स्पॉन्ज बना है। आप ये बैटर बना के रख सकते हैं प्रीमिक्स के लिए और उसके बाद से खाली दूध और ऑयल डाल के आप यूज़ कर सकते हैं जो बैटर मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे दूध और शुगर का मैं लगा रही हूँ। इसमें क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग होता है बट मेरे पास चीज़ नहीं था तो मैंने नॉर्मली क्रीम का ही फ्रॉस्टिंग किया है और इसे मैं अच्छे से सोक करूँगी दूध से। अगर आपको लग रहा है आपका केक काफ़ी ड्राई है तो काफ़ी अच्छे से उसको शुगर सिरप या मिल्क जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से लगाएं, नहीं तो फिर वो आप जब केक कट करेंगे तो बेस काफ़ी ड्राई रहेगा। और आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्ज और कितनी जाली बनी है केक के अंदर। मैंने विनेगर नहीं डाला बट अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर सकते हैं। मैं जो भी है जितना क्या डालना है क्या नहीं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पर अच्छे से मैं साइड्स को मैं ज़्यादा मतलब दूध से सोक कर रही हूँ, क्योंकि साइड से वो काफ़ी ड्राई हो जाता है तो उसे मैं सोक करके नॉर्मल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्रीम व्हिप करके रखी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारी वीडियो है जिसमें मैंने क्रीम व्हिप करने के लिए दिखाया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना, उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी तो चेक कर लेना। पूरा मेरा क्रीम लेयर बाय लेयर लगा के हो गया है और इसे मैं अभी सरफेस को क्लीन करूँगी और इसे मैं फर्स्ट कोट लगा के मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर सेकेंड कोट मैं लगाऊँगी। अगर बेकरी में तो डायरेक्ट ही आपको मतलब तुरंत लगाते, वो फ्रिज में नहीं रखते, जब आप लेने जाते हो तब आपको फ्रिज में से निकाल के देते, नहीं तो उनका बेस और सब वो तुरंत ही करते हैं। तो अगर वैसे करना है तो आपके पास टाइम है तो आप फ्रिज में एक कोट लगा के रख दें, फिर सेकेंड कोट आप बाद में लगाएं, तो उससे क्या होता है फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं कार्ड से फिनिशिंग कर रही हूँ और मार्केट में मिलता भी है, प्लास्टिक की शीट्स वगैरह मिलती है, आप उसे भी कर सकते हो। और मेरे पास कोम भी है मतलब जो डिज़ाइन करने का, तो मैं उसे भी करूँगी। इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद साइड से मैं कोम से डिज़ाइन बनाऊँगी, आता है उसे लाइनिंग में वैसा कुछ बनाऊँगी। और उसके बाद से स्पैचुला को मैंने गर्म पानी में ये कर लिया था, डिप करके क्लीन कर लिया था और फिर उसके बाद से सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कोम लेके इसे डिज़ाइन बना रही हूँ।
और यहाँ पे डिज़ाइन बना के हो गया है। मैंने क्रीम से रोजेस बनाए हैं, गर्मी काफ़ी थी तो क्रीम भी मेल्ट हो रही थी, तो जैसे तैसे तो बन गया। फ्रिज में रख के भी बना रही थी, तो ये मैंने चॉकलेट का स्टिक बनाया है, मतलब चॉकलेट का मैंने नेम प्लेट बनाया है माँ के नाम से। आप जैसे चाहिए वैसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। रेड वेलवेट केक है, जो ओकेजन है उस ओकेजन का आप इस पर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो मैंने मदर्स डे स्पेशल बनाया था, वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो गया, तो आई होप आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी वीडियो आपको देखनी है, कौन सी रेसिपी आपको देखनी है, वो भी मुझे बता दें। और यहाँ पे मैंने फ्लावर नोज़ल लिया था, मैंने देखा ही नहीं कि वीडियोज़ में नहीं दिख रहा है, मैंने कैमरा सेट बराबर नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। और ये केक को आप जैसे चाहिए वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से डिज़ाइन किया था क्योंकि मैंने एक ही दिन में केक बनाया था तुरंत। और अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन पहले बेस बना के रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप उसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा सेट होता है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो आपको क्या करना है मालूम है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है जो न्यू है, बेल आइकन हिट करना है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी मैं रेसिपी बताती हूँ उसका सारा भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, वहाँ से आपको पूरा रेशियो बराबर मिलेगा, आपको पूरा मेथड के साथ मैं लिख के रखती हूँ और ये आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो आई होप अच्छा लगा हो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग जेल का भी यूज़ किया है, आपको करना है तो करें नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।